नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम्स लाइफ। तो आज हम बात करते हैं रक्षाबंधन की, जो कि होता है राखी का त्योहार, भाई बहन के प्रेम का त्योहार। तो इस त्योहार में क्या होता है, बहनें जो होती है वो अपनी भाई को राखी बांधती हैं और भाई उन्हें वचन देते हैं कि वो उनकी रक्षा करते रहेंगे। तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये हमेशा श्रावण पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो इस बार तो और ही अच्छा, जिस दिन रक्षाबंधन है उसी दिन सावन का आखिरी सोमवार है, मतलब लास्ट सोमवार जो है सावन का, वो इस बार रक्षाबंधन के दिन पड़ रहा है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ इससे जुड़ी कई सारी चीजें। तो जैसे कि सबसे पहले रक्षाबंधन में विशेष ध्यान दिया जाता है कि चलो हमें पता है कि 3 तारीख को रक्षाबंधन है, अच्छी बात है। अब इसमें ध्यान दिया जाता है कि मुहूर्त क्या है रक्षाबंधन का। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार जो रक्षाबंधन का मुहूर्त है वो सुबह 9:32 से शुरू होके फिर सारे दिन आप कभी भी राखी बांध सकते हैं, लेकिन आप 9:32 से पहले राखी नहीं बांध सकते। और जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो है 9:32 से 12:25 तक। उसके बाद आप कभी भी कैसे भी राखी बांधो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको 9:32 से पहले, सुबह के 9:32 होने के पहले आपको राखी नहीं बांधनी है, क्योंकि उस टाइम पे भद्रा काल लगा हुआ है। और भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती, मैं उसका आपको रीजन बता देती हूँ। एक बार रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और उसके 1 साल के अंदर ही रावण का विनाश हो गया था, इसलिए भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती। और 9:32 के पहले पहले भद्रा काल है, तो आप भी 9:32 के पहले पहले राखी बांधने से बचे, हो सके तो भाइयों को उसके बाद ही राखी बांधे। और जैसे कि कोरोना महामारी फैली हुई है तो आप लोग ज्यादा दूर जाने से भी बचें, और कोशिश करें कि अगर आप आसपास में ही रह रहे हैं या फिर ऐसे किसी जगह पे हैं जहां पेशेंट ज्यादा हैं या कोई परेशानी है, तो आप इस बार थोड़ा सा अपने मन को समझाएं, अपने घरों में रहें, वो ज्यादा अच्छा है। इस बार मैं भी राखी पे अपने घर नहीं जा रही हूं। मैं तो पिछली बार भी अपने घर नहीं जा पाई थी राखी पे, और इस बार भी मैं नहीं जा पा रही हूं। हालांकि मैंने राखियां पोस्ट कर दी हैं, आज या कल पहुंच जाएंगी या पहुंच गई होंगी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी तीज त्योहार हैं तो उनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई कथा जरूर होती है, जो कि हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई होती है। तो मैंने भी अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, मतलब मेरी दादी नानी है या फिर मेरे फादर इन लॉ है, मेरे ससुर जी जो है वो भी मुझे टाइम टाइम पे काफी अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं। उनके साथ हम लोग बहुत कम रह पाते हैं, लेकिन उनके साथ रहना होता है तो हमें कई सारी जानकारियां मिल जाती है, मतलब वो कथाएं या यहाँ वहां से जुड़ी हुई बातें अपने अनुभव बताते रहते हैं। तो आप बड़े बुजुर्गों के साथ में रहेंगे, जीवन के कई अनुभव मिल पाएंगे, और हमारा इतना ज्यादा नहीं होता उनके साथ में रहना, लेकिन जब भी हम लोग रहते तो वो अपनी छोटी मोटी बातें, क्योंकि वो एक भगवत पुराण वाचक है और साथ में वो एक ज्योतिषाचार्य भी है। तो इस तरह से मुझे चारों तरफ से कुछ ना कुछ कथाएं मिलती रहती है, और मुझे कहानियां सुनने का भी बहुत शौक है, तो इसलिए मैं सुनती भी हूँ कि हाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, रीजन जानने का भी रहता है कि अच्छा हम ये करते हैं तो क्यों करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ भाई को राखी बांधी, भाई आया, उसको मिठाई दी, उसने पैसे दिए, बस खत्म, गिफ्ट्स और पैसे दिए, हो गया, बस इतना नहीं होता। कहीं ना कहीं आप जब कोई त्योहार मनाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा जरूर होती है। तो मैंने भी इससे जुड़ी कई सारी कथाएं सुनी हुई है, एक तो कृष्ण जी और द्रौपदी जी की है, यम और यमुना जी की है, और जो सबसे पहले राखी का प्रचलन शुरू किया, मतलब माता लक्ष्मी ने महाराज बलि को राखी बांधी। तो मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करती हूँ माता लक्ष्मी और महाराज बलि की राखी की कहानी से। जब महाराज बलि के पास भगवान विष्णु 52 अवतार लेके गए थे, तो उन्होंने 3 पग में, 3 पग जमीन सबके मना करने के बाद, अपने गुरुजनों के मना करने के बाद भी उन्होंने 3 पग जमीन चल के उनको दे दी थी, और भगवान विष्णु ने उन 3 पगों में आकाश, पाताल, धरती सारा कुछ ले लिया था और महाराज बलि को रसातल में भेज दिया था। महाराज बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मुझे वचन दीजिए, जो भी मैं आपसे मांगूंगा आप वो मुझे देंगे, आप छल नहीं करेंगे। तो भगवान ने उनको बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा, आपके साथ छल नहीं करूंगा। तो महाराज बलि ने जो मांगा वो ये था कि मैं जब भी सोते हुए उठूं, मैं कहीं से भी आऊं, कुछ भी हो, मैं हमेशा आपको अपने सामने देखूं। तो इस तरह से भगवान विष्णु हैं जो, वो रसातल के पहरेदार बन गए, जब भी राजा बलि उठते उनको देखते। तो ऐसे करके भगवान विष्णु महाराज बलि के साथ रहने लगे, और वहां बैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली रहने लगी। फिर क्योंकि नारद जी तो सारी जगह घूमते थे, तो लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि आपने कहीं विष्णु जी को देखा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो तो आजकल महाराज बलि की पहरेदारी में लगे हुए हैं। तो माता लक्ष्मी ने साधारण महिला का रूप बनाया और वो जाके महाराज बलि के पास गई और वहां जाके रोने लगी। तो महाराज बलि ने बोला कि आप रोइए मत, आज से मैं आपका धर्म भाई हूँ। और माता लक्ष्मी ने उनको सबसे पहले राखी बांधी, और उन्होंने राखी के बदले में जो मांगा बोला आप मुझे अपना पहरेदार दे दीजिए। तब से महाराज बलि और माता लक्ष्मी भाई बहन हो गए। एक और कहानी और है, वो है भगवान कृष्ण और द्रौपदी जी की। तो ये तो बहुत छोटी सी कहानी है कि भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का कोना फाड़ के उनकी उंगली में बांध दिया। तो जो मेन कहानी है वो एक ये भी है कि जो यमदेव हैं और जो यमुना जी हैं, तो वो भी भाई बहन हैं, वो सूर्य पुत्र हैं और वो सूर्य पुत्री हैं। तो इसलिए यमुना जी को, क्योंकि वो सूर्य पुत्री हैं, उनको तारिणी तनुजा भी बोला जाता है, मतलब सूर्य की पुत्री, और क्योंकि वो यमदेव की बहन भी है तो उनको यमानुजा भी बोलते हैं। ऐसे यमुना जी के काफी सारे नाम हैं। तो ये भी एक कथा है कि 12 साल तक यमदेव जी ने अपनी बहन यमुना को नहीं देखा था। यमुना जी बहुत चाहती थी कि वो अपने भाई को मिले, देखें। तो 12 साल बाद गंगा जी ने यमदेव को बोला कि
कि आपने अपनी बहन को नहीं देखा, वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो फिर यमदेव अपनी बहन के पास गए, फिर यमुना जी ने यमदेव को राखी बांधी। इसीलिए यमदेव ने भाइयों के लिए वरदान दिया है कि जो भी बहन अपने भाई को राखी बांधेगी उनकी दीर्घायु होगी और वो ज्यादा टाइम तक अपनी बहनों की रक्षा करते रहेंगे। तो इसी तरह से आप लोग भी रक्षाबंधन मनाइए, जैसे द्रौपदी जी ने मनाया, माता लक्ष्मी ने मनाया, यमुना जी ने मनाया, इसी तरह से आप लोग भी रक्षाबंधन मनाइए, अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधिए, उनको ढेर सारा प्यार दीजिए, स्नेह कीजिए। तो जैसे कि आपने इन कहानियों में देखा कि भाइयों ने अपनी बहनों को कुछ ना कुछ जरूर दिया है, किसी ने उनकी रक्षा करने का वचन दिया है, किसी ने कुछ दिया है, तो ऐसे ही आप लोग भी अपने भाइयों से गिफ्ट लेना बिल्कुल ना भूलें। और रक्षा का वचन तो खैर रहता ही रहता है, भाई अपनी बहनों की रक्षा हमेशा करते हैं, चाहे बहन छोटी हो या बड़ी हो, भाई हमेशा अपनी बहनों को स्नेह करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से त्योहार मनाइए। बाय बाय।